कहाँ जा रहे बेटा? हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। एक्चुअली यहीं पे बगल में एक संतोषी माता का मंदिर है, तो वहीं पे थोड़ा बहुत छोटा सा मेला जैसा लगा हुआ है। हम ड्यूटी से आ रहे थे तो देखे थे, तो अभी जा रहे हैं वहीं पे घूमने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का एक नए ब्लॉग पे। और अभी हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तैयार हो गया है संतोषी, वहाँ तैयार हो रही है, दिविशा भी तैयार हो गई है और निकल रहे हैं। अभी छोटा मोटा मेला लगा हुआ है, उसी को देखने के लिए। बस क्वार्टर के बगल में ही है, 5 मिनट का रास्ता है, तो चलिए चलते हैं। पहुंच गए हैं संतोषी माता का मंदिर में और सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं। जय संतोषी माँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कितना सारा कुर्सी लगा हुआ है। तो दिन के टाइम में हम आ रहे थे तो यहाँ पे खिचड़ी वितरण हो रहा था। दिविशा और शिवम जीत कर रहा है कि खिलौना लेंगे, तो देखते क्या लेता है ये लोग। क्या लेगी दिविशा? क्या लेगी बोलो जल्दी लो। हम लोगों ने मेला घूम लिया है, अब वापस जा रहे हैं। और शिवम वहाँ बैलून खरीद लिया है। और यहाँ पे हम लोगों को चाट वाट का दुकान मिला नहीं है, एक्चुअली हम लोगों को फुचका खाना था। कैसे गिर गया बैलून? कैसे गिर गया? पकड़ो ठीक से, चला जाएगा बेटा जा। हम लोगों का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि हम लोग सोच के गए थे कि मेला वाला लगा होगा, कुछ चाट वाट खाएंगे हम लोग। लेकिन क्या हुआ, लेकिन दर्शन तो कर लिए ना। हाँ, बस यही हुआ कि संतोषी माता का दर्शन हो गया और वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब अगले साल तो मेला लगा था, इसलिए हम लोगों को लगा कि इस बार भी मेला लगा होगा। और शिवम का जो वर्षा चालू हो गया, आते साथ ही हम लोग जैसे ही रूम पे घुसे हैं बारिश भी चालू हो गया है। और शिवम जो बैलून लिया वही रास्ता में ही फूट गया, 10 रुपया का बैलून था, 10 मिनट भी नहीं चला। चलिए कोई बात नहीं, माता जी का दर्शन हो गया। हम लोग बस अभी वापस आए हैं घूम करके और पूरा आंधी उठा दिया, बस जस्ट घुसे हैं और बारिश और आंधी एकदम स्टार्ट हो गया, हवा बहुत तेज चल रही है। क्या हुआ, फूट गया रास्ता में ही? संतोषी मोमबत्ती खोज के रख लो, क्योंकि आंधी उठा दिया है और कभी भी लाइट जा सकता है। A few moments later. चल गरज रही है और संतोषी जल्दी जल्दी अपना रोटी बनाने का काम कर रही है, कहीं लाइट ना भाग जाए इसलिए जल्दी से रोटी बना ले रही है। तो आज रोटी के साथ क्या खाने को मिलेगा संतोषी? बेसन का सब्जी। तो अभी तो रात के 8 बज रहे हैं और हमको अभी मन कर गया है कि एक बार और चाय पी ले, तो क्या एक बार चाय और बन जाएगा? तो बना दीजिए। तो आज हम एक स्पेशल चीज़ लेकर के आए थे, वो हम आपको दिखाते हैं, उसके साथ ही हम चाय खाएंगे। तो दिखा रहे कि वो क्या है। तो ये है वो स्पेशल चिप्स, ये है एक्चुअली बनाना चिप्स, लिखा हुआ है केरला बनाना चिप्स। तो हम एक दुकान में गए थे कुछ सामान खरीदे, तो इस पर मेरा नज़र पड़ गया। तो जैसे ही हम कोई यूनिक चीज़ देखते हैं तो उसको तुरंत खरीद लेते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा। हम इसको थोड़ा सा निकाल के आपको दिखाते कैसा है। क्या बेटा खोल देते हैं? तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से बनाना चिप्स है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, जिसको अभी चाय के साथ खाएंगे। एग्जॉस्ट फैन के लिए जो यहाँ पे एक होल किया गया था और यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो अभी पानी का छींटा आ रहा है, आपको बिजली भी चमकता हुआ दिखाई दिया होगा अभी शायद। तो यहाँ से पानी का छींटा आ रहा है, इसको हम पैक करना भूल गए, इससे मच्छर भी घुस जाता है। रोज़ हमको संतोषी बोलती है कि इसको पैक कर दीजिए। तो देखिए अभी बिजली भी चमक रही है और पानी भी यहाँ से छिटका पड़ रहा है। लाइट चला गया है और संतोषी यहाँ पे बना रही है चाय। और यहाँ पे जो लाइट का जुगाड़ हुआ है वो हुआ है जो हमने सेल्फी स्टिक खरीदा था उसी से हुआ है, क्योंकि हमारा जो इमरजेंसी लाइट है वो ख़राब हो गया और हमें अभी मोमबत्ती भी नहीं मिल रहा था। तो दिमाग में आया कि क्यों नहीं इसको यूज़ किया जाए और ये अच्छा यूज़ हो रहा है। क्या है यहाँ पे? साथ में केला का चिप्स है और बारिश भी उल्टा देगी और साथ में बारिश है, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। फुल फैमिली हम लोग खा रहे हैं, तो मेला में एंजॉय नहीं किए लेकिन घर में आके हम लोग अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। देखिए आपका बेटी क्या कर रही है, खाने दो उसको। खा नहीं रही है, बिछान में डाल रही है। Two hours later. की तैयारी हो गई है, दिविशा अभी भी रो रही है, सोई नहीं है, शिवम सो गया है और ये मच्छर मार रही है संतोषी।
tomorrow. Good morning. ये सो के अभी उठे, अभी इनको मॉर्निंग ड्यूटी जाना है. नींद पूरा नहीं हुआ है ना इसीलिए. और आज दिन भी बहुत ठंडा ठंडा है, बारिश हुआ था रात में ना, इसी वजह से दिन बहुत सुबह बहुत अच्छा है. उठिए, मुंह हाथ धोइए, फ्रेश होइए. निकल रहा है, दिविशा उठ गई है, शिवम सोया हुआ है, तो अब सीधा 2 बजे दिन में आएंगे. 8 hours later. भैया आए हैं, कोलकाता जाएंगे वो. हाय. तो कोलकाता जाएंगे, बाय बस जाएंगे. तो अभी बस का जो है हम लोग टिकट पता करने के लिए जाएंगे, और ट्रेन से हम लोगों को जो मिल नहीं रहा है टिकट, क्योंकि इमरजेंसी में प्रोग्राम बना है. और ये जा रहे हैं कोलकाता CA की पढ़ाई करने के लिए, तो अपना बैग वैग भी ले लिए हैं. तो अभी बस खा पी करके हम लोग निकलेंगे बस का पता करने के लिए. और वहाँ मेरी बेटी नहा करके सोई हुई है और ये खाना खा रहा है. देखिए, मेरे पापा लीची भेजे हैं, निमकी भेजे हैं, इसमें हल्दी है, पेड़ का लीची, और मछली भी भेजे हैं. मालदा का रतवाड़ी स्टेशन, जहाँ से बस खुलती है कोलकाता के लिए, पता कर रहे हैं कि कितना बजे वहाँ से बस है, उसका टाइमिंग पता करने जा रहे हैं, और अगर सीट उपलब्ध रहेगा तो उसको बुकिंग भी करवा लेंगे. 10 मिनट से हम लोग गर्मी में खड़े हैं, टोटो खाली आ ही नहीं रहा है. फाइनली हम लोगों को टोटो मिल गया है, अभी जा रहे हैं रतवाड़ी. हमारी बस की बुकिंग हो गई है, 400 रुपया लगा है स्लीपर का. ये स्लीपर का टिकट काट के दे दिया 400 रुपया. रात को 9 बजे बस है, सुबह 6 बजे तक कोलकाता उतार देगी. तो हम लोग आ गए हैं टिकट कटा करके, और हम फ़ोन किए थे घर में लेकिन दिविशा उठा ली थी. और इधर संतोषी जो है रात का खाने का तैयारी कर रही है, 9 बजे बस है. दिविशा. 3 hours later. और अभी शाम हो गई है, और यहाँ पे रात का खाने का तैयारी हो रही है. क्या बन रहा है संतोषी? तो अभी बज रहे हैं रात के 8. भैया को खाना दे दिया गया है, वो 8:30 बजे तक निकल जाएंगे. और यहाँ दिविशा और संतोषी कूलर का हवा खा रहा है. जैसे ही बैठे ही है कूलर का हवा खाने के लिए कि आ गई है संतोषी हमको उठाने के लिए. तो हम लोग अभी आ गए हैं बस स्टैंड, और 9:30 बजे. हाँ, 9:30 बजे. 9:30 बजे के आसपास बस, 9 बज रहा है. पे बहुत देर इंतज़ार किए लेकिन बस नहीं आया. मेरा ड्यूटी का टाइम हो गया, तो हम अभी ड्यूटी आ चुके हैं. ये है DRM बिल्डिंग मालदा. तो हम नाइट ड्यूटी ख़त्म करके अभी आए हैं जस्ट, और संतोषी यहाँ पे गाना बजाने के लिए तैयारी करी है, भगवान का गाना बजाएगी. अभी कुछ देर गाना बजेगा, स्टार्ट भी हो गया है. तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो भी वीडियो देख रहे हैं उनको एकदम दिल से थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू. और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.